हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड इंग्लिश के चैप्टर फिफ्थ को पढ़ेंगे। ये आपकी मैरी गोल्ड बुक से है। क्लास फिफ्थ चैप्टर फिफ्थ को देखेंगे। इसमें आपकी द बलून मैन, बलून मैन एक गुब्बारे गुब्बारे वाला, ठीक है, ये आपकी पोयम है। डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट, क्या आपने किसी गुब्बारे वाले को विजिट मतलब आते हुए अपने बाजार में देखा है। लेट्स सी, चलो देखते हैं, व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग विद हिम, ये बलून मैन जो गुब्बारे वाला क्या लेकर आया है। द बलून मैन गुब्बारे वाला, ठीक है, ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, हम हमेशा ही, ऑलवेज मतलब हमेशा, कम्स मतलब आता है, ऑन मार्केट डे बाजार के दिनों में, ही कौन है, गुब्बारे वाला हमेशा आता है मार्केट बाजार के दिनों में। एंड होल्ड बलून्स, और इसके हाथ में क्या होते हैं, बलून्स को पकड़े रहता है, गुब्बारों को पकड़े रहता है, होल्ड मतलब पकड़ना, बलून्स मतलब गुब्बारों को। अ लवली बंच, ठीक है, लवली बहुत प्यारे से बंच में, बंच मतलब कहते हैं गुच्छे को, ठीक है, गुब्बारे बहुत सारे गुब्बारे एक साथ होते हैं ना, तो उनको बंच बोलते हैं। तो वो प्यारे सा उसके पास, उसके हाथ में क्या होता है, प्यारा सा गुब्बारे का गुच्छा होता है, ठीक है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे, और वो मार्केट के बाजार के बीचों बीच, स्क्वायर का मतलब बाजार के बीच में, ही स्टेज से मतलब वो रुक जाता है, वो खड़ा हो जाता है बाजार के बीच में। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और उसे देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वो खाने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, थिंक मतलब सोचना और लंच मतलब खाने के बारे में, ऐसा उसे देखकर कभी नहीं लगता है कि वो खाने के बारे में सोच रहा है। दे आर रेड एंड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन, उसके पास जो बलून्स होते हैं, देख इसके लिए बलून्स के लिए, उसके पास किसके बलून्स जो होते हैं, किस किस कलर के होते हैं, रेड लाल कलर के होते हैं, पर्पल बैगनी कलर, और ब्लू और ग्रीन हरे कलर के, ठीक है, ये बलून उसके हाथ में होते हैं। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, और जब सनी डे होता है, जब दिन होता है, खूब धूप निकली होती है, चमकीला दिन होता है सनी डे में, उसे सनी डे बोलते हैं दिन के टाइम को जिसमें खूब अच्छी सी धूप निकली होती है। द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन यू सी देम साइनिंग फॉर अवे, तो जो वहां पर कार्ट्स वाले, कार्ट्स बोलते हैं ठेले वालों को, ठीक है, वहां पे जो ठेले वाले होते हैं और पीपल और जो लोग होते हैं वो उसको घेर कर उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। यू सी, आप देख सकते हैं, देम तब आप देख सकते हैं उन्हें, कि साइनिंग मतलब चमकते हुए, फर अवे दूर से आप चमकते हुए गुब्बारों को आप देख सकते हैं, फर अवे मतलब दूर से, साइनिंग मतलब चमकना, ठीक है। एंड सम आर बिग, कुछ बड़े होते हैं, बिग मतलब बड़े, कुछ तो बड़े होते हैं। एंड सम आर स्मॉल, और कुछ गुब्बारे छोटे होते हैं, स्मॉल मतलब छोटा, ठीक है। ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग, और सारे आपस में, टुगेदर मतलब साथ में, टाइट मतलब बंधे होते हैं, स्ट्रिंग मतलब एक धागे से, सभी गुब्बारे एक धागे से बंधे हुए होते हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, और अगर जब हवा चलती है, विंड मतलब हवा, जब हवा आती है तो क्या होता है, दे टग एंड टग लाइक एनी थिंग, तो ये आपस में टकराते हैं जैसे कोई भी चीज, हवा जब चलती है तो आपस में टकराती है ना, हवा से हिल डुल के, तो ऐसे ये भी आपस में हिल डुल कर टकराते हैं एक दूसरे से, टग एंड टग, ठीक है। सम डे परहैप्स, शायद किसी दिन, परहैप्स मतलब शायद किसी दिन, ही विल लेट देम गो, शायद ही किसी दिन वो इनको छोड़ दे, ठीक है, उनको वो ऊपर उड़ा दे या छोड़ दे गुब्बारों को, तो वो ऊपर उड़ जाए। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, तब हम देखेंगे, सी मतलब देखना, तब हम इनको देखेंगे बहुत ऊपर उड़ते हुए, अगर गुब्बारे वाले ने किसी दिन
वो बाणों को अपने हाथ से छोड़ दिया तो क्या होगा, वो बहुत ऊपर उड़ जाएंगे। सेलिंग हाई का मतलब वो ऊपर चले जाएंगे, ऊपर बहुत ऊपर उड़ जाएंगे आसमान में। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम ब्लो, और हम उन्हें फिर कहाँ से देखेंगे, नीचे खड़े हुए। स्टैंड मतलब खड़े होना, वॉच मतलब देखना। हम उन्हें देखेंगे कहाँ से देखेंगे, नीचे से। ब्लो मतलब नीचे से, हम उन गुब्बारों को उड़ता हुआ नीचे से देखेंगे। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और वो जो दिखाई देंगे, लुक मतलब देखना, वो कैसे दिखेंगे, बहुत ही प्यारे दिखेंगे। बहुत ही प्रिटी मतलब प्यारा, लवली, ठीक है, बहुत ही प्यारे दिखाई देंगे। इन द स्काई, आकाश में उड़ते हुए वो गुब्बारे बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे, बहुत ही प्यारे दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपकी पोयम यहाँ पे फिनिश होती है। इसके न्यू वर्ड आपको लर्न करने हैं। आप देखिए, न्यू वर्ड में क्या, बंच, बंच का मतलब क्या होता है, गुच्छा। ठीक है, बहुत सारे गुब्बारे, गुब्बारे वाला ने बहुत सारे गुब्बारों को हाथ में पकड़ रखा है ना एक साथ, तो बंच का मतलब होता है बहुत सारे एक साथ, गुच्छे के रूप में कोई चीज। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे गुब्बारे एक साथ बांध के गुब्बारे वाले ने पकड़े हैं तो उसे कहेंगे बंच। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब जो गुब्बारे वाला आया था वो मार्केट के बीचों बीच खड़ा हुआ था ना, तो स्क्वायर। सनी मतलब चमकीला, जो दिन का टाइम होता है ना, सनी डे उसे बोलते हैं, जब बहुत अच्छी धूप निकलती है, सन निकलता है, तो उसको बोलते हैं सनी डे। तो सनी का मतलब चमकीला। टग मतलब जब गुब्बारे आपस में हिल रहे थे तो आपस में टकरा रहे थे इधर उधर। अब आपके क्वेश्चन आंसर हैं, रीडिंग इज फन। पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। जो बलून मैन था, जो गुब्बारे बेचने वाला था, वो कहाँ पर खड़ा हुआ था? तो आपको पता है जब गुब्बारे वाला आया था तो वो कहाँ खड़ा हो गया था, मार्केट के बीचों बीच खड़ा हुआ था ना स्क्वायर में। तो द बलून मैन स्टैंड एट द मार्केट स्क्वायर, जो बलून मैन था वो बाजार के बीच में खड़ा हुआ था, स्क्वायर में खड़ा हुआ था। तो बलून मैन स्टैंड एट द स्क्वायर, मार्केट स्क्वायर। ठीक है, आप इसका आंसर नोट डाउन करना नोटबुक में और इसे लर्न करना। सेकेंड, वाट हैपेंड, हैपेंड मतलब कुछ होना, क्या हुआ था, टू द बलून बलून्स वैन देयर इज अ विंड, जब विंड चली थी, विंड मतलब हवा, जब हवा चल रही थी तो फिर क्या हुआ था बलून के साथ, बलून एक दूसरे से हवा से उड़ उड़ के टकरा रहे थे ना, टक टक हो रहे थे एक दूसरे से। तो वैन देयर इज अ विंड, जब हवा चली तो द बलून्स टक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत देर तक, लॉट ऑफ टाइम मतलब बहुत समय तक, बलून जो है आपस में एक दूसरे से टक टक करते रहे, टकराते रहे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी बलून मैन डू, जब बच्चों ने इस बलून मैन को देखा, गुब्बारे वाले को देखा, तो क्या हुआ, द चाइल्ड लाइक टू सी, जब बच्चों ने बलून वाले को देखा, दैट समडे, किसी दिन, द बलून मैन विल लेट गो ऑफ ऑल बलून्स, देन द बलून विल फ्लाई हाई इन द स्काई, अगर किसी दिन बलून में जो गुब्बारे वाला था वो अपने बलून को छोड़ देता, उड़ जाते, तो कहाँ उड़ते, स्काई में चले जाते, बादलों में उड़ते, देन बलून विल फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ जाना, हाई मतलब बहुत ऊपर, इन द स्काई, बादलों में उड़ जाते, एंड चाइल्ड वुड सी देम फ्रॉम ब्लो, बच्चे उसे कहाँ से देखते, नीचे से देखते। ठीक है, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक, बच्चे कैसा महसूस करते, सी द बलून मैन, बलून मैन को देख के, डू जब क्या होता, अगर बलून मैन जो था बलून को उड़ा देता आकाश में, तो फिर क्या होता, बच्चे हम कहाँ से देखते, आप उसे नीचे खड़े होकर देखते और आकाश से ऊपर बहुत फ्लाई हाई मतलब बहुत ऊपर स्काई में उड़ जाते सारे बलून। ठीक है, इनके आंसर आप नोट डाउन कर लेना और इनको लर्न करना। टॉक टाइम, टॉक टाइम में क्या है, हाउ हाई कैन बलून फ्लाई, जो बलून थे वो कैसे ऊपर उड़ रहे थे, हाउ फ्लाई कैन बलून, हाउ हाई मतलब बहुत ऊपर, कैन बलून फ्लाई, क्या बलून बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, द बलून कैन फ्लाई वेरी हाई, बलून तो जा सकते हैं, अगर आप बलून को छोड़ दोगे तो वो बहुत ऊपर चला जाएगा, तो वेरी हाई मतलब ऊपर चला जाएगा, डिपेंडिंग अमाउंट द विंड, अगर हवा चलेगी, हवा पे डिपेंड करता है, अगर हवा तेज चलेगी तो आपका बलून भी ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोयम, आपको इस पोयम में क्या अच्छा लगा, तो आई लव वॉचिंग कलरफुल बलून, आपको भी कलरफुल बलून अच्छे लगे होंगे ना, कलरफुल गुब्बारे, ठीक है, जो कि उड़ रहे थे, कैसे उड़ रहे थे, हवा में, द चाइल्ड इन द पोयम आल्सो लाइक द सेम,
जैसे आपको भी ऐसे ही अच्छे लगे होंगे, जैसे इसमें जो पोएम में जो बच्चे थे उनको बलून जैसे अच्छे लग रहे थे ना कलरफुल, वैसे आपको भी कलरफुल बलून अच्छे लगेंगे, लगते होंगे। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट द पोएम। तो ये सब आपको भी अच्छा लगा होगा ना पोएम में। और आपका अगर कोई दूसरा आंसर हो, आपको दूसरा कुछ लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। वर्ड बिल्डिंग, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जंबल। जंबल कहते हैं जो जो शब्द हैं वो उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, सही से नहीं लिखे हैं लेटर। ये देखिए जंबल में लिखे ना गलत लिखे हुए हैं, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है जंबल लेटर। राइट वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइड, आपको इनको सही करके लिखना है, ठीक है। या मैंने लिख दिया है, आप इसे नोट कर लेना। इस ये जंबल, इसको बलून का जंबल है, इसको सही करके क्या होगा, स्पेलिंग हो जाएगी बलून्स, इसको ऐसे हो जाएगी। ये ब्लू का था जो उल्टा सीधा है, इसको ब्लू हो जाएगा, ब्लो, ठीक है। और लंच, इसको सही करेंगे तो लंच हो जाएगा, ये सही करेंगे इस वाले को तो ये पीपल बन जाएगा, और ये इसको सही करेंगे तो कार्ट बन जाएगा। कार्ट मतलब बताया था ना इसको, वो जो ठेले वाले होते हैं उसको बोलते हैं। लंच मतलब खाने का टाइम होता है दोपहर का, पीपल मतलब लोगों को, बलून पता है आपको गुब्बारों को, ब्लू पता है आपको कलर होता है, ठीक है। ब्लू मतलब नीचे, ओके। नेक्स्ट है पुट द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं इन द फॉलोइंग ग्रुप, इनका आपको एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। जैसे नेचर, नेचर इनका आपको पुट करना है, लिखना है ग्रुप में। स्काई, ग्रास, विंड, ठीक है। फ्रूट, फूड, फूड का टर्निप, फूड में क्या क्या आएगा, जैसे नेचर, नेचर को क्या होते हैं प्रकृति होती है, नेचर में क्या क्या आपको मिल जाए। स्काई बादल, बादलों को क्या बोलते हैं, स्काई आसमान किस में आएगा, नेचर में आएगा। ऐसी ग्रास, ग्रास भी नेचर में आएगी, ठीक है। और विंड, हवा जो चलती है वो भी नेचर में आएगी। ऐसी कि फूड, फूड में क्या क्या आएगा, फूड तो खाने की चीज़ होती है ना, तो इसमें टर्निप, टर्निप आएगी इसमें फूड में, शलजम जिसको बोलते हैं, ठीक है। पाइनएप्पल फ्रूट होता है, राइस, राइस भी खाने में आएगा, पाइनएप्पल फ्रूट होता है वो भी खाने में आएगा, और टर्निप भी सब्जी बनाने में आती है, राइस चावल को बोलते हैं। और कलर में क्या क्या आएंगे, कलर में से ग्रीन, ग्रीन क्या होता है कलर का नाम है। ऐसी पर्पल, पर्पल भी कलर का नाम है। येलो, येलो भी कलर है, वाइट भी कलर है, ठीक है। तो इनको आपको लर्न करना है, नेचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और फूड, फूड में क्या आएगा, और कलर में क्या आएगा, ठीक है। इनको आपको नोट डाउन कर लेना और इनको लर्न कर लेना, और आपको ये, इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और पोयम आप अच्छे से लर्न करना, कुछ समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।